नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। मैं अरुण भारद्वाज, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मेरे पास आप ये देख रहे होंगे कुछ आरओ के पार्ट्स हैं, और जैसा कि आप जानते हैं ये मैम्ब्रेन है और ये मैम्ब्रेन हाउसिंग और मैम्ब्रेन का कैप है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि जिसकी हेल्प से आप इस देखिए इसमें बेसिकली सीन क्या है। कई बार क्या होता है, मारो रिपेयर कर रहे होते हैं, ये देखिए ये मैम्ब्रेन हाउसिंग में इस टाइप से जो नोजल लगी होती है ये टूट जाती है। अब टूटने से क्या होता है, जो हमारा चूड़ी वाला हिस्सा होता है ये मैम्ब्रेन हाउसिंग के कैप के अंदर ही रह जाता है, और इस मैम्ब्रेन हाउसिंग के ऊपर हम फेंक तो सकते नहीं। तो इससे क्या होता है कि हमें इस हिस्से को इस पोर्शन में से बाहर निकालना होता है। कई बार क्या होता है, कोई लेमैन होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है कि इसे कैसे निकालना है, तो वो इसे ठोक ठोक के इस टाइप से स्क्रू ड्राइवर या किसी और टूल की हेल्प से इस टाइप से ठोक ठोक के बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है कि मैम्ब्रेन हाउसिंग की जो कैप है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ये डैमेज हो जाती है और हमारी ये कैप जो है ख़राब हो जाती है। लेकिन आज की जो टेक्निक मेरी है उस टेक्निक में मैं ये बताऊंगा कि आप ये मैम्ब्रेन हाउसिंग के कैप को बिना नुकसान पहुंचाए ही किस टाइप से ये जो नोजल का टूटा हुआ हिस्सा होता है उसे किस टाइप से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए काम स्क्रू ड्राइवर से ही होगा। स्क्रू ड्राइवर ये आप मेरे पास आप देख रहे हैं, इस टाइप से क्या है, एक इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्लस वाला साइड होता है, एक माइनस वाली साइड होती है। तो हमें क्या करना है, ये माइनस वाली साइड को लेना है और मैम्ब्रेन हाउसिंग का जो टूटा हुआ हिस्सा है, सबसे पहले हमें ये मैम्ब्रेन हाउसिंग की कैप खोल लेनी है और स्क्रू ड्राइवर का माइनस वाला हिस्सा इस टाइप से थोड़ा तिरछा करके इस पार्ट में लगाना है और धीरे धीरे इस पर दबाव डाल के इसे घुमाते जाना है। ये देखिए, अब जब इसे घुमाते जाएंगे तो देखिए धीरे 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 जो है इसे उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये धीरे धीरे ये जो टूटा हुआ हिस्सा है चूड़ी के साथ खुल के ये पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखिए जिस टाइप से मैं इसे घुमा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। जानकारी छोटी सी है लेकिन कई बार ये है बहुत काम की रहती है। ये देखिए ये टूटा हुआ जो हिस्सा है पूरा बाहर आ गया है, इसे ठोक ठोक के काट काट के निकालने की जरूरत नहीं थी और अब हमारी जो मैम्ब्रेन हाउसिंग की कैप है वो अब सेफ है, कोई चूड़ी को नुकसान नहीं हुआ जो इसकी चूड़ी बनी हुई होती हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे को एक नई नोजल लेनी है, इस पर ये टेफ्लॉन टेप ज़रूर होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर ये नहीं लगाते तो लीकेज आने के चांसेस रहते हैं। ये इस टाइप से नोजल के ऊपर हम टेफ्लॉन टेप थोड़ा लगा लेंगे। टेप इतना लगाना है कि लीकेज ना आए, और इस टाइप से टेप 10-15 रोल देके राउंड देके इस टाइप से तोड़ लेंगे और सिंपल ये मैम्ब्रेन ये इस टाइप से हमने मैम्ब्रेन हाउसिंग की नोजल को पकड़ा, ये टेफ्लॉन टेप लगा ली और इसे इस टाइप से टाइट कर लेंगे। और इसको हमें इतना ही टाइट करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना, जहाँ लगे कि अब इससे ज़्यादा वो टाइट नहीं होगा वहीं पर इस नोजल को छोड़ देना है, क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती ये देखिए यहाँ ये टाइट हो गया ना, क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो ये नोजल फिर दोबारा टूटने के चांस रहते हैं। यह पूरा प्रॉपर फिक्स हो गया है और इसके बाद हमें क्या करना है, मैम्ब्रेन लेनी है। इस टाइप से मैम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर ये मैम्ब्रेन हम इंसर्ट कर देंगे, अच्छे से स्लॉट में बैठ जाएगी और ऊपर से कैप लगा देंगे। तो एक छोटी सी मैंने आपसे जानकारी शेयर की और एक टेक्निक शेयर की जिसकी हेल्प से आप किसी भी फिल्टर, मैम्ब्रेन हाउसिंग, प्री फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर या किसी भी पार्ट में इस टाइप से नोजल टूटती है तो आप किस टाइप से एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से
उस पार्ट को जिस पार्ट में यह नोजल टूटती है उसे नुकसान पहुंचाए बिना ही आप निकाल सकते हैं। तो ये इसके बाद हम इसे फिट कर देनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए।